हाँ तो भाई लोगों, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में दो पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे, इसके बारे में तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। और अब चूंकि ये मूवी रिलीज हो चुकी है तो पोस्ट क्रेडिट सीन और एंडिंग की बाल की खाल निकालते हैं। और एक स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपके लिए स्पॉइलर हो सकते हैं इस वीडियो में। वेल तो मूवी के एंड में जब हमारे गार्डियंस की टीम हाई इवोल्यूशन को हरा कर रिटर्न नोवे होम पर आते हैं तो वहीं पर पीटर क्विल अपनी गार्डियंस की टीम को अलविदा कहता है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर के पास जाना था अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए। और मैंटिस भी यही कहती है कि उसे खुद को जानना है, क्योंकि पहले वो अपने बाप इगो का ऑर्डर फॉलो करती थी, बाद में उसने गार्जियंस के ऑर्डर को फॉलो किया, लेकिन अब वो खुल के जीना चाहती है और खुद को जानना चाहती है, इसलिए वो भी गार्जियंस को टीम को छोड़ना चाहती है। और ड्रैक्स भी मैंटिस के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे नेबुला रोक लेती है ये कहकर कि तुम ड्रैक्स द डेस्ट्रॉयर नहीं बल्कि ड्रैक्स द डैडी हो। अब वो नेबुला के साथ रहेगा न्योवेयर प्लेनेट पर, उन बच्चों की देखभाल करेगा जिन बच्चों को गार्जियंस ने बचाया था हाई इवोल्यूशनरी से। और गमोरा चली जाती है रेंजर्स के पास, जिससे ये तो सियोर है कि गार्जियंस की टीम एक साथ शायद हमें एमसीयू में फिर दोबारा न देखने को मिले। लेकिन चूंकि ये सब अलग अलग हो गए तो किसी और मूवी में किसी और टीम के साथ जरूर देखने मिलेंगे। और अब आ जाते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। और पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है जो नई गार्जियंस की टीम बनी है वो किसी प्लेनेट पर है इस प्लेनेट के लोगों की मदद करने के लिए, जिस टीम का कैप्टन रॉकेट है। और इस टीम में है ग्रूट, रॉकेट, एडम वॉरलॉक और क्रैगलिन और कॉस्मो द डॉग और ये बच्ची भी, जिसे देखकर ज्यादातर एमसीयू फैंस कंफ्यूज हो रहे होंगे। इस बच्ची का नाम है फायलावेल, जिसे हमने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के ट्रेलर में भी देखा था और मूवी में भी देखा है, जिस पर हाई इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट 30 कैलोरी में घंटों तक दौड़ सकती थी बिना थके। वेल तो ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, कॉमिक में ये फायलावेल ओरिजिनल मार्वल की लड़की है जिसकी माँ एलेसिस है, जो टाइटन ग्रेस है, हाँ वही जहाँ से थैनोस था। और ये गार्जियंस की नई टीम जिसका कैप्टन रॉकेट है, इसे कॉमिक में एनिलेटर के नाम से जाना जाता है, जो पावरफुल एलियन प्रजाति का ग्रुप है। और कॉमिक बुक में इस टीम में और भी कूल कैरेक्टर है, जैसे नोवा, बीटा रे बिल और सिल्वर सर्फर। और हो सकता है आगे जाके इस टीम में ये सभी कैरेक्टर हमें देखने मिले, क्योंकि एमसीयू फैंटास्टिक पर भी मूवी बना रहा है जो 2025 में शायद हमें देखने मिले, जो कि सिल्वर सर्फर की सोलो मूवी को सेटअप करेगी। और बीटा रे बिल का तो ईस्टर एग हमें थोर रैग्नारोक में ही दे दिया गया था। सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस पीटर जो अर्थ पर है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठा हुआ है, जिनके हाथ में एक न्यूज़पेपर है जिस पर लिखा हुआ है एलियन एब्डक्शन केविन बेकन, ये गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी स्पेशल के बारे में, जहां पर गार्जियंस ने केविन बेकन को किडनैप कर लिया था, जिन्होंने अब मीडिया को सब कुछ बता दिया है अपनी किडनैपिंग के बारे में। इसके बाद ये पोस्ट क्रेडिट सीन पर खत्म हो जाता है और व्हाइट स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी किसी कैरेक्टर के बारे में विल रिटर्न लिखा हुआ आता है तो वो ब्लैक स्क्रीन पर व्हाइट लेटर में लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा था, जिसका मतलब स्टार लॉर्ड का कोई और वेरियंट हमें एमसीयू में देखने को मिल सकता है। और चूंकि स्टार लॉर्ड अब अर्थ पर है तो वो एवेंजर्स के साथ भी टीम अप कर सकता है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में भी स्टार लॉर्ड हो सकता है। और गार्जियंस की टीम जो अब अलग अलग हो गई है वो किसी और मूवी में किसी और सुपर हीरो के साथ टीम अप करते हुए नजर आ सकते हैं। वेल तो भाई लोगों, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर।